खत आपके नाम में मेरा यानी सुनीता अग्रवाल का नमस्कार कबूल करें। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, पर अपनी कोई भी बात कहनी है तो मुझे ईमेल करें, कमेंट बॉक्स में ना लिखें। मैं चाहती हूँ कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। बेशक बात किसी एक ने कहने की हिम्मत की है, पर काम सभी सुनने वालों के आएगी। तो कैसा लग रहा है ये मेल? खत आपके, शब्द मेरे, भावनाएं आपकी, प्रस्तुति मेरी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। हाँ, तो किसी से अपने मन की बात करने से घबराना क्यों? जब भी कुछ कहना हो तो इन खतों के सिलसिलों में अपना वाला खत चुनें और उसे फॉरवर्ड कर दें, या फिर अपनी बात मुझसे शेयर करें, जिससे प्यार से बात भी उन तक पहुँच जाएगी और आपके चेहरे पर गुस्से के कारण रिंकल्स भी नहीं आएंगे। पता है ना, गुस्सा करने वालों के चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं, और वहीं हंसने वालों का चेहरा, दिल से हंसने वालों का चेहरा स्ट्रेच रहता है। तो चुन ले लोग अपने लिए क्या सही है या गलत। आज जो खत मेरे हाथ में है, पढ़कर लगा कि जो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होता है वो कई लोगों के डिप्रेशन का कारण बन जाता है, और इन्हें सिर्फ अपने मुंह खोलने से मतलब होता है, चाहे फिर किसी की जान पर बनाए या किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। कितना आसान होता है ना किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी गलत बोल जाना। ऐसा ही कुछ है इस खत में जो दिल दुखा गया। काश ये खत कैसे भी उन मोहल्ले की आंटियों तक पहुंच जाए, जिससे उन्हें पता तो लगे कि उनकी फालतू की बातों से किसी लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। पढ़ती हूँ ये खत, नाम शेयर नहीं करूँगी हमेशा की तरह। ये खत दिल्ली से एक लड़की का है, मोहल्ले की आंटियों के नाम। ये लिखती हैं, मेरा काम इवेंट मैनेजमेंट का है, तो अपने कमरे में लौटने में हमेशा लेट हो जाता है। कभी कभी तो सुबह ही हो जाती है। 6 महीने ही हुए थे कि एक पीजी में आए हुए, अच्छी कट रही थी। लैंडलेडी काफ़ी कूल एंड केयरिंग थी। उनको पता था मेरे काम के बारे में, तो उन्होंने कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं भी खुश थी, वो भी खुश थी। पर एक दिन वो जब सुबह मुझे चाय देने आई, तो न्यूज़पेपर नहीं, खुद ये खबर लेकर आए कि आप 2 दिन में कमरा खाली कर दो। चाय के बाद भी घंटे से पहले ना खुलने वाली मेरी आँखें एक झटके में खुल गई। मुँह से क्या निकलना ही था, और अच्छी खासी तेज़ आवाज़ में निकला, क्या क्या कह रहे हो भाभी जी, मजाक कर रही हो क्या सुबह सुबह? वो बहुत प्यार से मेरे पास आकर बैठी और कहा, दीदी मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ, बुरा ना मानना, मुझे आप पर पूरा भरोसा भी है, पर क्या करूँ, लोगों के मुँह तो बंद नहीं कराए जा सकते ना। मैं हैरान थी, ये कौन लोग आ गए? मैंने पूछा, आप क्लियर तो कहो ना, आपकी बात मुझे डरा सी रही है। फिर उन्होंने क्लियरली कहा, अब आप कोई और पीजी ढूंढ लेती थी, मुझे माफ़ कर देना, और ये रहा आपका एडवांस। मुझे गुस्सा आना था, किसी को भी आता, ये क्या बकवास है? आज शाम को मेरा इतना बड़ा इवेंट है, मुझे कूल रहना है, और मैं यहाँ अपना सामान बटोरूँ? इवेंट की सक्सेस की जगह मैं ये सोचूँ कि 2 दिन बाद कहाँ रहूँगी? मैं तेज़ आवाज़ में बोली, लगभग चिल्लाई, क्या भाभी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको मैंने कोई परेशानी दी, या कभी कोई मेरे पास लड़का आया या रहा, या मुझ में कोई खराबी है? आप कैसे मुझसे कमरा खाली करा सकते हो? वो बहुत शांत होकर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, दीदी आपने मुझे इन 6 महीनों में कभी भी तंग नहीं किया, मैं कहूँ तो आप मेरी सबसे अच्छी पीजी रही हैं, और इस बात की मैं हमेशा तारीफ भी करती हूँ, पर क्या करूँ, मैं तंग आ गई हूँ अपने मोहल्ले वालों से, रोज़ ही कुछ ना कुछ ऊल जलूल सवाल करती हैं, बस तुम्हारे बारे में पूछती रहती हैं, क्यों तेरी पीजी इतनी लेट क्यों आती है? भाई हमने तो कई बार देखा है, कभी कभी तो नशे में इतनी टुल होती है कि उसे 2 लड़के पकड़ के लाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। 2 महीनों से मैं सुन रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बिना काम की औरतें हैं, उनका काम सिर्फ चुगली करना है और मज़े लेना है। मैंने कभी हंस के तो कभी बात को टाल के ये 2 महीने काटे हैं, पर उनमें से एक यहाँ के RWA के प्रेसिडेंट की वाइफ है, उसने तो कह दिया
कि अगर ऐसे ही चला ना कि वो लड़की हर रोज़ सुबह सुबह दो लड़कों के कंधों पर सिर लटका के आएगी तो मुझे इनसे कहना पड़ेगा। ये पीजी देने वालों को नोटिस भेजें कि इनके कारण यहाँ का माहौल गंदा हो रहा है, हमारे लड़की लड़के बिगड़ रहे हैं, और कर दी ना पुलिस में कंप्लेन, तो फिर आप सोच लेना क्या होगा। मैं शॉक थी, मैं कब किसके कंधे पर सिर रख कर आई थी, मैं तो पीती भी नहीं हूँ। तो मेरी लैंडलेडी ने ही कहा, दीदी आप दिल पर मत लेना, इन औरतों का तो काम ही होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा के बताएं, यही इनका एंटरटेनमेंट भी होता है। मुझे पता है, इसके बाद उन्होंने अपने कमरे में बैठकर हंसना और मजाक ही उड़ानी है और अपनी शेखियाँ बखाड़नी है कि देखो मैंने कमरा खाली करा के ही दम लिया। पर अब मुझे ये डर है कि कोई नोटिस वोटिस ना दे दे। मैंने गुस्से में कहा, तो देने दो ना भाभी जी, आपका घर है, आप पीजी रखो या कुछ भी करो, वो कौन होते हैं कुछ कहने वाले। पर मेरी लैंडलेडी ने मुझे ही समझा दिया, दीदी प्लीज़ अंडरस्टैंड, उन्होंने पुलिस की धमकी दी है हमें कि वो कंप्लेंट डाल देंगे कि मैं धंधा करती हूँ। अब इसके आगे मैं क्या बोलती। वो चुप थी, मैं चुप थी, फिर धीरे से बोली, इन्होंने भी मना कर दिया है, नहीं रखनी हमें ऐसी लड़की जो रात के 2 बजे आए या सुबह आए। कोई सीधी साधी लड़की रख लो जो सुबह जाए और रात होने से पहले घर आ जाए। मैं बहुत हैरान थी ये सोचकर कि सीधी साधी की परिभाषा है कि वो सुबह जाती है और शाम को आ जाती हो। इनके हिसाब से वो बिगड़ी हुई है जो लेट नाइट काम पर से आती। मेरे पास 2 दिन थे नया पीजी एकोमोडेशन ढूंढने के लिए, और 2 दिन का एक बिग इवेंट था जिससे सुबह चलना था और अगले दिन सुबह ही ख़त्म होना था। मैं कहाँ से ढूंढती नया एकोमोडेशन। एक दो फ्रेंड्स को फ़ोन भी किया पर बात नहीं बनी। उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं रही कि मैं कुछ करूं या दिल्ली में रहूं। सच बताऊं तो डिप्रेशन में आ गई थी, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही बची थी मेरे पास। स्टेशन पर सामान लिए बैठी थी और सोच रही थी कि अगर मैं कहीं और पीजी एकोमोडेशन के लिए जाती तो क्या गारंटी थी कि वहाँ की मोहल्ले वाली आंटियाँ अच्छी होंगी, और अगर मेरे काम को मेरी लैंडलेडी ही 4 दिन के बाद नहीं समझ पाई और उसने मुझे निकाल दिया तो मैं फिर कहाँ जाऊँगी। लैंडलेडी अच्छी हुई पर मोहल्ले वाली आंटियाँ मुझे और मेरे काम को नहीं समझ पाई तो फिर अपना बुरे बस्ते समेटूँगी, क्या करूँगी। और मैं यही सोचते सोचते अपने घर बनारस आ गई, जॉब छूट गई और दिल्ली से दिल टूट गया। सोचा दिल्ली की तरफ ना देखूँगी, ना सोचूँगी, ना कभी जाऊँगी वापस हेल विद मोहल्ले वाली आंटियाँ। पर मोहल्ला दिल्ली का हो या बनारस का, मोहल्ला तो मोहल्ला ही होता है। मोहल्ला है तो आंटियाँ भी हैं, पर मोहल्ला तो दिल्ली का हो या बनारस का, मोहल्ला तो मोहल्ला ही होता है। मोहल्ला है तो आंटियाँ भी तो आंटियाँ होंगी ना। दिल्ली से छूटी तो यहाँ की आंटियों ने दिमाग खा लिया, मेरा तो बाहर ही निकलना बंद हो गया। पर आंटियों के सवाल पूछने बंद नहीं हुए, क्यों आ गई, कब जा रही हो, फेसबुक पर तो बड़े बड़े कामों की फ़ोटो डालती थी, कभी इस हीरो के साथ तो कभी उस हीरोइन के साथ, वो लाइफ छोड़कर यहाँ क्या करने आ गई। मैं जवाब देने के लिए शब्द ढूंढती पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मेरे सारे शब्द कहीं खो गए थे। तो मैंने सारा सारा दिन रोना शुरू कर दिया, समझ नहीं आता था कि कौन सी आंटियाँ ज़्यादा सही थी, कौन सी ज़्यादा ख़राब। मैं किस बात से डर गई थी, क्यों नहीं मैं उन आंटियों की बातों को सह पाई थी, क्यों नहीं मैंने उनसे जाकर पूछ लिया कि आंटी बताइए तो सही, हम बाहर से आए लोग आपको कौन सा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा हक है कि हम अपनी तरक्की के लिए शहरों में आए, अगर आप लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, गाँवों में तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, शहरों में आप हमें शक की निगाहों से देखते हैं तो बताइए क्या करें। पर नहीं कह पाई, हिम्मत ही नहीं हो पाई किसी से कुछ कहने की। अभी भी अपने कमरे में बंद हूँ, इधर वाली आंटी और उधर वाली आंटियों से बच के बैठी हूँ। आपको कोई रास्ता समझ आए तो बताइएगा, जिससे मैं उनका सामना कर सकूँ और जो सपने देखे थे मैंने वो पूरा कर सकूँ। और इन आंटियों से कहिएगा कि आपको शायद एहसास भी ना हो कि आपकी इन बातों ने एक जान को जीते जी ख़त्म कर दिया। वो चुप है, वो मुरझा चुकी है, उसे आस है उन बूंदों की जो उस पर पड़े और कहें अरे कुछ नहीं होता, शहर आ गई हो तो अच्छा हुआ, रौनक हो गई। कोई आंटी उससे कह दे, देरा से आती हो तो क्या हुआ, मेरी लड़की तो इससे भी लेट आती है। अब बच्चों से काम करवाओगे तो विश्वास तो पूरा रखना पड़ेगा ना।
अगर ये प्यार की बूंदें मुझ पर पड़ जाए तो मैं भी खिल उठूं, अपने टूटे तीर कमान जोड़ूं और अपनी ज़िंदगी की एम सिद्ध कर सकूं। धन्यवाद दिल्ली और दिल्ली की आंटी। खत तो यहाँ समाप्त होता है, पर बाय गॉड क्या गुस्सा है। पर गलत समय पर निकला डार्लिंग, कहने को मैं किसी के खत पर राय नहीं देती, क्योंकि ये सीरीज बस आपकी बातें दूसरों तक पहुँचाने के लिए हैं। पर यहाँ तो बोले बिना रुका नहीं जा रहा, हो सकता है कोई और पीजी इसी तरह की समस्याओं को फेस कर रही हो। यार आंटियाँ तो आंटियाँ हैं, उनके डर से अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दोगी क्या? हार जाओगे और चले जाओगे? ऐसा है, चुपचाप अपने काम पर वापस आएं और अपना एम सिद्ध करें। ये बातें बहुत छोटी बातें हैं, इन बातों से घर के कमरे में बंद होकर ना बैठा जाए। दिल्ली बहुत बड़ी है और पीजी रखने वालों का दिल भी बहुत बड़ा है, कुछ एक लोगों के कारण दिल्ली को बदनाम ना करें। और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी को कुछ लोगों की बातों के कारण बर्बाद ना करें। कभी भविष्य में आपके बारे में कुछ कहें तो उससे बात ज़रूर करें और पूछें कि उसने कब देखा और कैसे देखा। माना किसी भी समाज में रहने के कुछ नियम हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं हम अपने मकसद छोड़ दें। तो आएं फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, ठीक है? और मुझे मेल करके बताएं कि आप दिल्ली वापस आ गई हैं। इंतज़ार करूंगी तुम्हारी मेल का। खुश रहना और खुश रखना। नमस्कार।